वालेकुम अस्सलाम। पापा सब खैरियत तो है? बेटा तुम तो अच्छी तरह जानती हो आजकल बिजनेस में रोज नुकसान हो रहा है। मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया है। लेकिन क्यों पापा? बेटा कुछ तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं और कुछ शायद किस्मत ही हमारी अगेंस्ट हो गई है। लेकिन पापा इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर उमेर के पापा भी अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम की वापसी का तकाजा कर रहे हैं। बेटा इस सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? फरा उमेर से शादी कर ले तो हमारे बिजनेस रिलेशंस पर्सनल रिलेशनशिप में बदल जाएंगे। पापा प्लीज, अब आप तो ऐसी बातें ना करें। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और कोई वालदैन अपने बच्चों के खिलाफ कभी सोच ही नहीं सकते। खुदा ने उनकी फितरत में ये रखा ही नहीं है। तो आपके बिजनेस डील को मजबूत करने के लिए अपने जज्बातों की कुर्बानी दे दूं? बेटा तुम गलत समझ रही हो। उमेर एक पढ़ा लिखा लड़का है, शरीफ है, एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है। सबसे बढ़कर यह कि वो तुम्हें पसंद करता है। पापा लेकिन मैं उमेर को पसंद नहीं करती। बेटा मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं गुजरती। जिंदगी गुजारने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? मैंने तुम्हें घर का काम करने से मना किया था। अब मैं चाय के लिए आपा को तो कह नहीं सकी। अगर आपा नहीं बना सकती तो मुझे कह देती, मैं बना देता अपने हाथों से। साजिद मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। उसमें ख्वाब वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ अम्मी से बात हुई? जी आज ही बात हुई थी। सब खैरियत है? जी हाँ। और शग्गो से? नहीं शग्गो से कोई बात नहीं हुई। तो बात करो ना उससे। जी चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। हाँ ये बस अभी कप पीता। परा कहाँ से आ रही है? पापा आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? मैंने कहा कहाँ से आ रही है? डिनर था। डिनर? पूछ सकता हूँ ये किसके साथ था डिनर? ऑफ कोर्स पापा, फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स यानी ताहिर? ताहिर ताहिर ताहिर, इधर मुझे बिजनेस में हर रोज नुकसान पर नुकसान हो रहा है और तुम हो कि तुम्हें ताहिर से फुर्सत ही नहीं मिल रही। इसमें ताहिर का क्या कसूर है पापा? बेटा जानी ताहिर का वाकई इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो वो मेरा है जिसने तुम्हें इतनी ढील दे रखी है। पापा आपको क्या हो गया? जो मैं जानता हूं वो तो तुम नहीं जानती।
ये ताहिर बहुत मक्कार और चालाक लड़का है। ताहिर ऐसा लड़का नहीं है पापा। Stop it, फरा। अब तुम मुझे समझाओगी कि ताहिर कैसा लड़का है? वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, बेवकूफ, और तुम उसके इशारों पर नाच रही हो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ मत समझाओ। जब वो मेयर का बाप मुझ पर फ्रॉड का केस करेगा तो तुम्हें हर चीज खुद ब खुद समझ आ जाएगी। यार कहाँ चला गया था? नहीं यार, बस वो यार एक बात बता, तूने कहीं प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू नहीं कर दिया? नहीं, क्यों? हर वक्त एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है यार, हर बात जोक की नहीं होती। आई एम सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी यार, मेरा आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ यार, आई एम सॉरी। तुम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि तुमने बाकी पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो फिर आज तुम्हारी मीटिंग करवानी है किसी से। गुड, लेकिन किसके साथ? मेरे डैड के पार्टनर से। पार्टनर के साथ? यार प्लीज एक बार मिल ले उनसे, वरना मेरी फरा से शादी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है वो लड़की उमेर की साली बन जाएगी। डन, ये डील तो होगी, बिल्कुल होगी। कहाँ मर गया ये? लगता है इसकी ड्यूटी डॉक्टर आलम के साथ लगी है, और डॉक्टर आलम तो वैसे ही इसके जन्म जन्म का दुश्मन है। मर गया था तू? अरे साहब, तुम तो जानते हो डॉक्टर आलम मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ जानता हूँ कितना प्यार करता है यार। आखिर ये तुझसे इतना तपा हुआ क्यों रहता है? मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी उस डॉक्टर ने। क्या करूँ, रूम के बाहर के स्टूल भी हटा दिए, और वो कहता है कि तुम काम चोर हो और तुम्हारी हड्डी में पानी भर गया है। यार वैसे डॉक्टर आलम कहते थे ठीक है, हड्डियों में दर्द। साहब क्या आप तुम्हें मेरा मजाक उड़ाओगे क्या? नहीं नहीं यार, रिकॉर्ड लगाने के लिए बाकी लोग नहीं है क्या? साहब वो बढ़िया दावत का क्या हुआ? हाथ वो लंबे हाथ वाली, वही वाली? हाँ हाँ साथ वही वाली। यार बस ढील हो गई है, माल उठा रहा है स्टोर से। क्या बात है उस्ताद, तुम तो उस्ताद हो। मानोगे उस्ताद की उस्तादियाँ, चला मेरे साथ चल। हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड, तुम कैसी हो? क्या बात है, कुछ कमजोर और टेंस लग रहे हो? नहीं नहीं, मुझे किस चीज की टेंशन हो सकती है? वो है ना तुम्हारा साइको फ्रेंड, टेंशन देने के लिए। शेजी? यस, सबसे बड़ी टेंशन। अरे नहीं नहीं, वो कैसी टेंशन दे सकता है? किस्मत ने खुद ही उसके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन वो तो किस्मत को ही नहीं मानता। कुछ अरसा पहले उसकी बहन को ससुराल वालों ने चला दिया, फिर ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त ना कर सकी। उसके घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, वो सब्जी मंडी में मेहनत मजदूरी करता रहा, पेटियाँ उठाता, दूसरे काम करता, पैसे इकट्ठे करके फिर दुबई चला गया। वहाँ जाकर छोटा सा बिजनेस शुरू किया, आज माशाल्लाह से एस्टैब्लिश है। I'm sorry. इसमें तुम्हारी फ्रेंड का क्या कसूर? ऐसा तो किसी के साथ भी होता तो वो साइको हो जाता। अच्छा, ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। चलता हूँ।
यार मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस इंचार्ज से, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता है। कल मुझे कह रहा था नर्सरी से बच्चे अगवा करने के केस में मुझे पुलिस से पकड़वा देगा। सच में कह रहा था? यार मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? ऐसे डरा रहा होगा तुम्हें, बहुत कमीना है वो, उसका कोई भरोसा नहीं है। कल को किसी गरीब माँ को पैसे का लालच दे दे और मेरे खिलाफ गवाही दिला दे कि मैं बच्चे अगवा कर रही थी, तो फिर क्या कर लूंगी मैं? हाँ है तो मकार, कर भी सकता है, उसके चमचे भी तो उसी की साइड लेंगे ना। यार मैं तो दुआ करती हूँ, रोज इतने बेगुनाह लोग मारे जाते, कमबख्त यही नहीं मरता, हमारी भी जान छूट जाए। ये कहाँ से मरेगा, तुमने सुना नहीं है शैतान की जिंदगी लंबी होती है? हाँ लेकिन खुदा के यहाँ देर है देर नहीं है, जिस दिन वो फंसा ना बहुत बुरा फंसेगा। सदिया लाओ मुझे दो, मैं खिलाती हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। अम्मा मुझे अभी अब्बा के साथ ही बैठे रहने दें। अब्बा और खिलाऊं? बेटा तुम्हारे अब्बा का पेट भर गया है, अब बस करो। अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है? इतने साल इनके साथ जिंदगी गुजारी है, इतना भी नहीं समझूंगी? अम्मी देखो अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं। तो जा दो घड़ी के लिए कमर टिका ले। दुआ करो कि हमारी सबिया कल इनके घर में खुश रहे। नाजिम की तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर कलीम भाई और सुल्ताना भाभी से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। हद से गुजर रहे हो समंदर खान, ये सब मैं उस रिश्ते की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ जो तुम्हारी बहन की मौत के बावजूद हमारे दरमियान कायम है। आप क्या लिहाज करोगे रिश्ते का? आपने तो जीते जी हमारी बहन को जीने नहीं दिया आगा जी, और अब ये दिया है। शर्म नहीं आती है समंदर खान, अपनी मरहूम बहन का जिक्र गैर मर्दों के सामने कैसे कर रहे हो? हमें इधर उधर की बातों में मत घुमाओ आगा जी, सीधे सीधे वो जमीन हमारे नाम पे करो और बस। वो जमीन मेरी माँ के नाम पे थी समंदर खान, और उसके बाद मैं और मेरे बहन भाई उसके वारिस हैं। तुम किधर से बीच में आ गया? तुमने आगा जी के साथ मिलके अपनी माँ का बंदोबस्त कर लिया, अब तुम माँ का वारिस कहाँ से हो गया? बस बस, अपने आग के लिए हमको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है समंदर खान। देखो समंदर खान, झगड़ा मत करो, ये बच्चे तुम्हारी अपनी बहन की औलाद है, तुम्हारा अपना खून है। बात खून की नहीं, इंसाफ की है, कानून की है, कबीले की रिवायत की है, और आपने कबीले की रिवायत को तोड़ा है। अब आपका और आपके बच्चों का उस जमीन पर कोई हक नहीं। हाजी यार, लगता है गॉड ने हमारी सुन ली है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर समद आ गए हैं एज अ सुपरिटेंडेंट बनके, तो
इससे हमारा क्या फ़ायदा है? इसमें हमारा ही तो फ़ायदा है। जहाँ मैं पहले जॉब करती थी ना, डॉक्टर सबद वहाँ के हेड थे, बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है। अच्छा, आजकल के ज़माने में भी नेक और शरीफ आदमी होते हैं? अब तुम देखना वो इंचार्ज का क्या हाल करते हैं। डॉक्टर समद तुम्हें पहले से जानते? बहुत अच्छी तरह, 3 साल उनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, तो ये बात है, तो स्वीटी को लेकर चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, इंचार्ज के बारे में सब कुछ बता देंगे सच सच। हाँ ये ठीक है। स्वीटी मुबारक हो। किस बात की? यार हमारी सख्ती और परेशानी के दिन ख़त्म हो गए, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर समद आ गए। अच्छा, फिर? वो बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। यार हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों मिलकर ना डॉक्टर समद के पास चलते हैं और उनको इंचार्ज के सारे कारनामे बताएंगे, तुम देखना उन्हें जेल भिजवा देंगे। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो तुमसे चोरी की वारदात करवा रहा है, तुम्हें मुजरिम बना रहा है और तुम बोल रही हो कि नहीं जाओगी। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है और वो इंचार्ज बहुत ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन की शादी में कोई मसला हो और मेरी जॉब के लिए भी। बस अम्मी दुआ करें। ठीक कह रही है। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बीबी जान खैर तो है? अम्मी की याद आ रही थी, बात करें। बीबी जान आप आगा जी को समझाएं, हम सब उनकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कौन समझा सकता है? मेरी कहाँ सुनते हैं। उम्र के इस हिस्से में पहुँच के इंसान बच्चों जैसा जिद करते हैं। लेकिन उनके ऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है परवेशा। खान जी भी इस वजह से बहुत परेशान है। खान जी किधर हैं इस वक्त? वो बैठक में बैठे हैं, उनके कुछ मेहमान आए उनसे मुलाकात के लिए। आगा जी को इस वक्त आराम करना चाहिए। क्या हुआ महरूस, तुम इतना परेशान क्यों है? वो उधर बैठक में समंदर खान आया है, वो बहुत झगड़ा मगड़ा हो रहा है। बीबी जान उस घर में नाजिम के सिवा तेरा कोई हमदर्द नहीं, मुझे बहुत हौसले और बर्दाश्त से रहना होगा। अम्मी मुझमें बहुत हौसला है और यूं भी मैं उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी जिसको बुनियाद बनाकर वो मुझ पर ज्यादती कर सकें। पास लोगों को पता नहीं झुकी हुई शाखों से क्यों आर होता है। अम्मी को मेरे मामू का घर है। कलीम रिश्तों का एहतराम करने वाला आदमी नहीं है बेटा, वो इंसानों को तराजू में तोलता है। जिसका पल्ला भारी होता है ना, वो उसे ही दबाता है। अम्मी आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूँ, तो तेरी माँ हूँ सबिया, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे फिक्र होगी। अम्मी बस आप मेरे लिए खैर की दुआ क्या करें। तुम तीनों के लिए तो मेरी रोम रोम से दुआएं निकलती हैं, उसके लिए भी जो ये घर छोड़कर चली गई, इसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया है, उसके लिए भी। इसीलिए आपको मना कर रही थी, लेकिन आप हैं कि कोई बात सुनते ही नहीं। शगुफ्ता बीबी मैं ठीक हूँ। खान जी आप कल जाने की तैयारी करें, मैं देखती हूँ आगा जी कैसे नहीं जाते। कैसा बात करता है आगा जी से? ये आगा जी का बीवी है समंदर खान मामा। पलवशा बच्चे, बीवी हमारा भी है, लेकिन अगर वो हमसे ऐसा बात करे तो उसे हम गोली मार दे। समंदर खान अजीब बात है, हम लोग का बस इधर ही तक चलता है,
कि अपनी बीवियों को गोली मार दी और आगा जी अब आप एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। खान जी अब कल सुबह जाने की तैयारी करें, हमें हर हाल में कल निकलना होगा। मैं भी इंतजाम करता हूँ, मैं भी सामान पैक करा देती हूँ। शुगुफ्ता बीबी हम अभी जिंदा है, फिक्र मत करो। आगा जी आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, उमेर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मुझे खुशी हुई कि तुमने नाकामियों का जवान मर्दी से मुकाबला किया और आज तुम माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हो। शेजी तुमने अभी तक राज नहीं बताया। कौन सा राज? यही कि यार इतना बड़ा बिजनेस सेटअप बनाने का आखिर फार्मूला क्या है? अरे बेटा फार्मूला वेरी सिंपल, दिन रात मेहनत। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। सर दिन रात तो मेहनत बेवकूफ़ करते हैं, अगर मेहनत करने से लोग बिजनेसमैन बनते तो सर आज ये सारे मजदूर बिजनेसमैन ना होते। भाई बहुत खूब ज़बरदस्त, फिर तो तुम्हें अपना फार्मूला हमें बताना ही होगा। वेरी सिंपल, दिमाग। सर इसका इस्तेमाल जिसे आ गया वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। 100% agreed. अगर दिमाग का इस्तेमाल सही लोगों के साथ सही वक्त पर किया जाए तो फ़ायदा होता है, वरना बाज़ औक़ात हमारी तरह नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अंकल किस्मत का भी बड़ा खेल होता है। नहीं उमेर, मैं किस्मत के खेल को नहीं मानता, मैं अपना खेल खुद बनाता हूँ और उसे खुद बिगाड़ता हूँ। तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मज़ा आएगा। I love brave people. Congrats, buddy. Thank you. भाई आप लोग कंटिन्यू करें, मुझे एक मीटिंग पे जाना है। ये मनोज कहाँ से आ गया रास्ते में? स्वीटी क्या बात है, जल्दी में हो क्या? वो मेरी ओपीडी में ड्यूटी लगी हुई है। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि कल रात तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। तुम्हें तो सब कुछ ही पता है। कल तुम्हारी ड्यूटी ओपीडी में है, ओपीडी के साथ स्टोर रूम में जिसमें हजारों की तादाद में वैक्सीन रखी हुई है। तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा सवाल, छोटा सा काम है। कल तुम एमरजेंसी के बहाने स्टोर रूम में जाओ, मैं तुम्हें वैक्सीन के खाली डब्बे दूँगा और तुम वैक्सीन के भरे हुए डब्बे मेरे साथी को दे दो। नहीं नहीं, वो सरकारी वैक्सीन है, गरीबों के लिए फ्री आई है। ये तो मैं भूल ही गया था कि वो गरीबों के लिए। मगर क्या है कि स्वीटी, अगर हम ये वैक्सीन नहीं चुराएंगे तो हम गरीब रह जाएंगे, इसलिए जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर, समझी तुम? वरना क्या हुआ स्वीटी, क्यों रो रही हो? घर में तो सब ठीक है ना? मनुज को पता नहीं किसने इंचार्ज बनाया है। फिर कह दिया उसने कुछ तुम्हें? कहता है कि स्टोर से वैक्सीन चोरी करो। तौबा तौबा, इस मनुज का तो पेट ही नहीं भरेगा। मुझे तो लगता है ये अस्पताल को बेचकर ही दम लेगा। मैं सोच रही हूँ कि जॉब ही छोड़ दें। फिर अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो फौरी तौर पर हमें कहीं जॉब थोड़ी मिल जाएगी। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरी वजह से नौकरी नहीं छोड़ो। लेकिन उसने हम लोगों की ज़िंदगी तो अजाब बनाई हुई है ना। अच्छा चलो, तुम दोनों परेशान नहीं हो, ढूंढते हैं ना इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। चलो यार उमेर, मुझे वो तुम्हारा फ्रेंड क्या नाम है उसका, शेजी, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी शख्सियत ही ऐसी है, उसे फर्स्ट टाइम जो भी मिलता है उसे ऐसा ही फील होता है। ठीक है,
लेकिन पहले उसकी वो जैसी बातें कर रहा था अजीबोगरीब, और फिर उसका यूं मीटिंग से उठकर चले जाना, यार फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। एक्चुअली अंकल, उसकी ज़िंदगी में इतने अप एंड स्टोन्स आए हैं कि वो अपने आप में ही इतना उलझा रहता है। और हाँ, वो हम पे ट्रस्ट भी तो कर रहे हैं अंकल। वो तो बोल रहा था कि आप बताइए कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यार इस तरह बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कौन किसी पर इतना ट्रस्ट करता है भाई? आजकल खास तौर पर मुल्क के हालात तो देखो भाई, मुझे तो जरूर कोई चक्कर लगता है। कोई चक्कर नहीं अंकल, आप टेंशन ना लें, मैं सब देख लूंगा। अभी आप रेस्ट कीजिए, सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैंसल्ड, नुकसान नुकसान सिर्फ नुकसान। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बिजनेस में इतना नुकसान, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? किसकी नजर लग गई है मेरे बिजनेस को? क्या करूं, किससे मदद मांगूं? पहले ही मार्केट में बहुत उधार है, कुछ तो इसका हल निकलना होगा। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा, मैं तो आजिज आ गया हूं। अरे उस्ताद, कोई बड़ी पार्टी रखो यार। सबर कर जा मेरी जान, सबर कर जा। बस स्टोर से माल बाहर आ जाने दो, बाकी तो अपनी सेटिंग बनी हुई है। अरे वाह उस्ताद। और मज़े की बात तो ये है कि पेमेंट भी कैश है, इधर माल दो और उधर पेमेंट लो। लेकिन उस्ताद, सारा काम बड़े एहतियात से करना है, आजकल मीडिया वाले हाथों के पीछे पड़े हैं। अबे हमने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, कितनी बार तुझे बोल चुका हूँ मैं। आपकी तो खैर है उस्ताद, कहीं वो स्वीटी ना मुँह खोल दे। अरे ये सब शगो नहीं है, ये शगो बनने के ख्वाब तो देख सकती हैं मगर बन नहीं सकती। इन सबके पर काटे हुए मैंने, जो भी मुँह खोलेगी खुद फंसेगी। मान गया उस्ताद। मानोगे मानोगे, हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ मानोगे। करूँ, इसने तो मुझे बहुत ही परेशान कर दिया है, बार बार मुझे फोन कर रहा है। जब मैं चोरी करना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों करूँ? और बेचारे गरीबों का हक, नहीं नहीं मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा। क्या करूँ क्या करूँ, कल छुट्टी कर लेती हूँ।